ये कुबतु सफरा है, आप मेरे सामने देख रहे हैं। सामने ये सफरा अरबी जबान के अंदर कहते हैं चट्टान को, और कुबा कहते हैं डोम को, तो इसलिए इसको गोल्डन रॉक कहा जाता है। और चट्टान इसलिए कि अंदर इसके वो पत्थर है, वो चट्टान है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने अपने कदम मुबारक रख कर आप आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे मेराज के लिए। तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान उम्मी खलीफा हैं, उन्होंने इसकी तामीर की थी, और वो चाहते थे कि भाई पूरे इस अहाते के अंदर इसको बनाया जाए, लेकिन फंड्स की कमी होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया। और ऊपर जो आप गोल्डन वो देख रहे हैं डोम, जो कुबा है, उसमें 200 किलो सोना शाह हुसैन जो कि जॉर्डन के किंग थे उन्होंने लगवाया था। तो इसके अंदर मैं आपको अंदर से भी विज़िट कराता हूँ। आए चट्टान है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे थे और आप मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे। ये चट्टान है, मैं इस चट्टान को वैसे ऐसे भी हाथ लगा सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता, तो उन्होंने ये जगह बनाई भी है। बस इस चट्टान को आप सीधा हाथ लगा सकते हैं अंदर से छूने के लिए, यहाँ बनाया हुआ है और चूना बना है, लेकिन छू सकते हैं आप इसको। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जाऊंगा, अंदर अंदर गुफा को पीछे से। ये जो इस जगह है, यहाँ तीन मुसल्ले हैं, मुसल्ला इब्राहिम, मुसल्ला दाऊद और मुसल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह के ऊपर। बार के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पे वो चट्टान का नीचे का हिस्सा है। उस ज़माने में आप हज़रात को पता है कि लोग
قربانیاں کیا کرتے تھے اور آگ آتی تھی اس قربانی کو جلا دیتی تھی، جانور ذبح کیا کرتے تھے. یہاں پہ وہ سوراخ تھا جدھر سے پائپ ڈال کے بنایا تھا، وہ سارا خون جو ہے وادی کے خون میں چلا جاتا تھا. اور بعض روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جب ذبح کیا گیا تو وہ بھی اس پہاڑ اس چٹان کے اوپر کیا گیا تھا. یہ بڑی دیکھیں یہ پتھر ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، قدم مبارک رکھ کے لے گئے تھے.